देश में रोजगार महंगाई ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारें कोई भी हो, हमेशा ये मुद्दा उठता रहा है। यूपी में इस वक्त बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव देखा, विभागों में भर्ती ना होने, पेपर लीक होने और बेरोजगारी के मुद्दे से भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि और भी कई मुद्दे रहे जिसकी वजह से बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में नुकसान हुआ। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले ने भी बीजेपी को इस वक्त उलझा कर रख दिया है। ये मामला अभी चल ही रहा है कि इस बीच शिक्षक बनने का सपना देख रहे और भी तमाम युवाओं ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यूपी के बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रयागराज में लगातार आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने अब अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने कान पकड़कर मुर्गा बनते हुए अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया। अभ्यर्थियों का कहना है कि नींद में सोई सरकार को जगाने के लिए वह मुर्गा बनकर जिम्मेदार लोगों को सुबह का एहसास करा रहे हैं। वही विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि बेरोजगारी की निराशा भरी काली रात लाकर चद्दर तान कर सोई हुई भाजपा सरकार को जगाने के लिए डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर अपनी गलती की क्षमा ही नहीं मांगी है, बल्कि कुंभकर्णी निद्रा में लीन भाजपा सरकार को जगाने के लिए सुबह लाने वाली मांग भी दी है। अब देखते हैं इन क्षमा मांगने वालों से माफी कौन से भाजपाई महोदय मांगते हैं। जरा आप इस वीडियो को देखिए, किस तरह से युवा अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं निकाली है जिसकी वजह से हम सब मुर्गा अभियान या सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि लग रहा है कि डीएलएड बीटीसी करके हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसलिए योगी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल करके हम सबको बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए और हम सबको जीवन उद्धार करें। जिस तरीके से प्रदेश में 1,26,028 पद रिक्त होने के बावजूद भी हम सबको भर्ती का विज्ञापन नहीं मिला है, उसी के तहत सांकेतिक विरोध प्रदर्शन हम सब कान पकड़ के कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि डीएलएड करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वही सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दीपक यादव नाम का यूजर लिखते हैं कि यूपी में पिछले 6 वर्षों से शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं हो रही है, युवा बीटीसी करके दर दर भटक रहा है, इसको सुनने वाला कोई नहीं है। प्रयागराज, नई शिक्षक भर्ती को लेकर डीएलएड प्रशिक्षितों ने मुर्गा बनकर किया प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने कान पकड़कर मुर्गा बनकर डीएलएड करने की गलती मांगी। बता दें कि यूपी के बेसिक स्कूलों में पिछले 6 सालों से टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है। शिक्षक बनने के लिए जरूरी डीएलएड की ट्रेनिंग लेने वाले लाखों की संख्या में प्रशिक्षित अभ्यर्थी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। यह हाल तब है जब सूबे के बेसिक स्कूलों में शिक्षक के तकरीबन 1,00,000 पद खाली हैं। डीएलएड अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल दिया जाए तो तकरीबन 1,00,000 प्रशिक्षितों को नौकरी मिल सकती है। भर्ती लटकी होने से तमाम प्रशिक्षित ओवरएज हो रहे हैं, लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी कतई नहीं सुन रही है।